आप देख रहे हैं दखल न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राफेल मुद्दे पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर राफेल खरीदी में देरी का आरोप लगाया है। शिवराज ने कहा कि उन्हें केंद्र में नहीं जाना है, वे प्रदेश की राजनीति ही करेंगे। राफेल डील मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भोपाल में शिवराज सिंह ने कहा कि राफेल मामले में राहुल बेनकाब हो गए, जिन्होंने झूठ बोलकर देश को गुमराह किया है। राहुल गांधी इसके लिए देश से माफी मांगे। उनकी हरकत से सेना की बदनामी भी हुई है। आज राफेल मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसने पूरे सौदे पर सच्चाई को देश के सामने उजागर कर दिया है। ये सत्य की जीत है जो भारतीय सेनाओं का मनोबल बढ़ाने वाली है। जिन लोगों ने बिना रेत के पहाड़ बनाया, बिना चिंदी के सांप बनाया, बिना तिल के ताल बनाया, उन्हें देश की जनता माफ नहीं करेगी। सारी दुनिया में देश की बदनामी कराने की कोशिश इस सौदे के नाम पर हुई, जनता को गुमराह करने का प्रयास हुआ, सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश हुई और देश को इस तरह बदनाम करने वालों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। शिवराज सिंह ने कांग्रेस के ऊपर राफेल मामले में कई गंभीर आरोप लगाए। आखिर सौदे में बिचौलियों को क्यों रखा जाता था? उन्होंने कहा 2007 से 14 तक रक्षा सौदों को लटकाकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की दोषी भी यूपीए की सरकार है। शिवराज बोले, मध्य प्रदेश में रहकर ही अपनी जनता की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। जो भी बेहतर से बेहतर मैं कर सकूंगा, मैं यहीं रहकर करूंगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।